प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट और एम्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जोहार से सबका स्वागत किया। देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है। आज देवघर एयरपोर्ट का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। राज्य के विकास में मार्गों की अहम भूमिका होती है। साहिबगंज में जल मार्ग बनकर तैयार है, इसके लिए पीएम को शुक्रिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट का जो सपना 2010 में देखा गया था, उसे पीएम मोदी ने पूरा किया है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। बिहार और पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा लाभ। देवघर में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं हैं, ये भले ही झारखंड से शुरू हो रही है, लेकिन इससे बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। राज्यों में विकास से राष्ट्र का विकास, देश के पिछले 18 वर्ष से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इससे झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आस्था पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद निशिकांत जी, अन्य सांसद और विधायकगण, देवी और सज्जनों, हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। साथियों, इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास के इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवे और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुंडला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं, रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे,
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े, कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांध रहा, ये भी उन्होंने सीख लिया है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है, रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट्स के निर्माण पर काम चल रहा है, यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। आज इस सभागार के सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज एयरपोर्ट देवघर परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित राज्य के हमारे राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी, यहां उपस्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज की इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से, और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
और संथाल परगना के लिए विशेष रूप से। मेरा यह मानना है किसी मकान को किसी महल को बनाने के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं बरसों से अपना योगदान दे रहा है, अपना छाती फाड़कर लोहा कोयला अनेक खनिज संपदाएं बरसों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है, 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित कई बातें हैं, कई चीजें रखने की मंच में भी है, लेकिन आज जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं हम इनका बात इनकी बातें सुनेंगे, इनकी आशीर्वाद लेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस देवनगरी में बाबा वेदनाथ जी के देवनगरी में पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।